नाउ स्टूडेंट्स, आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। नाउ जिसमें सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ लिमिट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट हैं हमारे पास, कि अगर ए एन और बी एन दो सीक्वेंसेस हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं, एंड लिमिट ए एन कन्वर्जिस टू ए लिमिट बी एन, मीन सीक्वेंस बी एन कन्वर्जिस टू बी और ए एन सीक्वेंस ए को कन्वर्ज करती है, देन जो मॉडुलस ऑफ ए एन सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ज करेगी किसको? मॉडुलस ऑफ ए को। मीन्स अगर ए एन कोई सीक्वेंस हमारे पास माइनस थ्री को कन्वर्ज करती है, तो अगर जो उसका मॉडुलस होगा, जो सीक्वेंस आएगी, दैट विल कन्वर्ज टू थ्री। नेक्स्ट इज कि के एन जो सीक्वेंस है दैट विल कन्वर्ज टू के इंटू ए। मीन्स अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस थ्री को कन्वर्ज करती है, तो अगर बात करें टू इंटू ए एन सीक्वेंस होगी, वो कन्वर्ज करेगी टू इंटू थ्री को, तो मीन्स सिक्स को कन्वर्ज करेगी। सिमिलरली अगर दो सीक्वेंसेस के इन दोनों को ऐड कर दें, तो ए एन प्लस बी एन जो सीक्वेंस होगी वो ए प्लस बी को कन्वर्ज करेगी, और जो ए एन माइनस बी एन सीक्वेंस होगी वो ए माइनस बी को कन्वर्ज करेगी। सिमिलरली ए एन इंटू बी एन ए इंटू बी को कन्वर्ज करेगी, लेकिन यहाँ पे जब फ्रैक्शन में आ जाएगा, ए एन ओवर बी एन जो सीक्वेंस है दैट विल कन्वर्ज टू ए ओवर बी, बट प्रोवाइडेड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक तो ये है कि बी एन नल सीक्वेंस नहीं होनी चाहिए, एंड सेकेंड थिंग इज बी एन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी एन, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए बी एन की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। देन उस केस में ए एन ओवर बी एन जो सीक्वेंस होगी दैट विल कन्वर्ज टू ए ओवर बी। नाउ नेक्स्ट, ये आपने रिजल्ट हैं, ये आपने याद रखने हैं। अगर आप इसके प्रूफ करना चाहते हो तो आप बुक में से कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास थ्योरम है कि अगर ए एन कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है सच दैट ए एन इज लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। यहां पे क्या है, ए एन इज लेस देन इक्वल टू जीरो, जीरो भी आ रही है कभी, अदरवाइज क्या है, नेगेटिव है, देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो जो उसकी लिमिट होगी, जो जिस नंबर को ये कन्वर्ज करेगी, मीन्स अगर ए एन सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ए को कन्वर्ज करती है, एज वेल एज ए एन इज लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन ए नंबर जो ए होगा वो भी लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। ना सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे। ना हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने ये करना है कि जो ए है, जिस नंबर को ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, वो लेस देन इक्वल टू जीरो है। तो हम इसके ऑपोजिट से स्टार्ट करेंगे। नाउ इफ पॉसिबल लेट ए इज ग्रेटर देन जीरो, हमने प्रूव तो ये करना है कि ए इज लेस देन इक्वल टू जीरो, लेकिन हमने क्या कर लिया, इसके ऑपोजिट सपोज कर लिया कि ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो। नाउ सिंस सीक्वेंस तो हमारे पास कन्वर्जेंट है, तो बाय डेफिनेशन, क्योंकि सीक्वेंस एन ए को कन्वर्ज करती है, देयर फोर फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, एप्साइलन को हम ए भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ए पॉजिटिव है, एप्साइलन भी हमारा पॉजिटिव होगा, हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है। फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए एन माइनस एल, एल यहां पे क्या है हमारे पास, ए इज लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। नाउ ए एन माइनस ए, एल की वैल्यू ए है, लेस देन एप्साइलन, एप्साइलन क्या है हमारे पास, ए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए लेस देन ए एन माइनस ए लेस देन ए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अगर ए ऐड कर दें तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा जीरो लेस देन ए एन लेस देन टू ए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इट मीन्स
जो ए एन है अगर यहां से हम देखें तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि ए एन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन बिल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमें तो ये गिवन है कि एन हमेशा नेगेटिव है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन ये तो बोला है कि एम नेचुर आफ्टर एम एम और एम के बाद वो पॉजिटिव आ रही है, लेकिन यहां पे तो बोला है कि कभी भी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है हमेशा। तो इट मीन्स अवर सपोजिशन इज रॉन्ग बिकॉज ये गिवन स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्शन है, सो देयर फोर अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हैंस सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि सपोजिशन इज रॉन्ग, देयर फोर जो ए है जो हमारा ए है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो तो नहीं है, ग्रेटर देन जीरो नहीं है, इट मीन्स क्या होगा ए जो होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो। नाउ इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर ए एन लेस देन जीरो होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन वी कैन नॉट कंक्लूड दैट कि ए लेस देन जीरो होगा, जैसा कि हमने अभी किया कि वहां पे क्या था ए एन जो था वो लेस देन इक्वल टू जीरो था फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमारे पास क्या आ गया कि अगर सीक्वेंस ए एन ए को कन्वर्ज करती है तो ए भी लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन अगर हम इक्वालिटी रिमूव कर दें तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, मीन्स कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, लेकिन ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू नहीं होगा अगर इक्वालिटी रिमूव कर दें। तो बोला है कि अगर ए एन लेस देन जीरो है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन वी कैन नॉट कंक्लूड दैट ए लेस देन जीरो। फॉर एग्जाम्पल टेक ए एन इज इक्वल टू -1/n। अब क्लियरली ए एन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आ रही, तो ये -1, -1/2, -1/3, -1/4 एंड सो ऑन, जीरो तो कभी भी नहीं आ रही, लेकिन ये नंबर जीरो को कन्वर्ज कर रहा है, मीन्स ए एन तो कभी भी जीरो नहीं है लेकिन ए जो है वो जीरो को कन्वर्ज कर रहा है, सो इट मीन्स। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर ए एन लेस देन जीरो होगा फॉर ऑल एन देन ए बी लेस देन जीरो होगा। नाउ नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और हमारे पास छोटा सा रिजल्ट है कि अगर दो हमारे पास सीक्वेंसेस हैं ए एन एंड बी एन, बी टू सीक्वेंसेस विच कन्वर्जिस टू ए एंड बी, ए एन जो सीक्वेंस है वो ए को कन्वर्ज कर रही है और जो बी एन सीक्वेंस है वो बी को कन्वर्ज कर रही है। इफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा बी, ठीक है। जो लास्ट हमने यही अभी हमने की है छोटी सी थ्योरम उसी से रिलेटेड क्रॉलरी भी आप बोल सकते हो। नाउ नाउ बिकॉज यहां पे सबसे पहले तो हम सपोज करेंगे लेट सी एन इज इक्वल टू ए एन माइनस बी एन। अब क्योंकि ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन है फॉर ऑल एन, इट मीन्स जो ए एन माइनस बी एन होगा वो लेस देन इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल एन। इट मीन्स ये जो सीक्वेंस है नई सीक्वेंस है सी एन लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जैसा कि अभी हमने थ्योरम किया है कि अगर सी एन सीक्वेंस लेस देन इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल एन, तो जिसको ये कन्वर्ज करेगी, अब सीक्वेंस सी एन किसको कन्वर्ज करेगी, जैसा कि अभी हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में किया ए एन ए को कन्वर्ज करती है बी एन बी को कन्वर्ज करती है, तो ए एन माइनस बी एन कन्वर्ज करेगा ए माइनस बी को। तो ये हमारे पास सी हो गया, तो सी एन अगर सी को कन्वर्ज करेगा तो सी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो होगी, इट मीन्स ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू जीरो होगा और ए की वैल्यू क्या होगी लेस देन इक्वल टू बी। सो हेंस अगर ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन है देन ए की वैल्यू जो होगी दैट विल बी लेस देन इक्वल टू बी। और सिमिलरली लास्ट थ्योरम से रिलेटेड एक और रिजल्ट भी हमारे पास हम कर सकते हैं। यहां पे तो था लेस देन इक्वल टू जीरो,
तो यहां से एक और रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं कि अगर ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जरूर यहां पे लिखना है फॉर ऑल एन, अगर ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है देन क्लियरली ए भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेम ऐसे ही आपने प्रूव कर लेना है। और नेक्स्ट, अगर इक्वल टू रिमूव कर दें, अगर इक्वल टू रिमूव कर दें मीन्स अगर ए एन ग्रेटर देन जीरो है देन वी कैन नॉट से कि ए भी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो जैसा कि जहां पे किया था तो वहां पे एग्जांपल क्या ले लेंगे, ए एन इज इक्वल टू वन ओवर एन, ए एन कभी भी जीरो नहीं है लेकिन जो ए है वो क्या कर रहा है जीरो को कन्वर्ज कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बड़ी सैंडविच थ्योरम और स्क्यूज प्रिंसिपल। ये आपको स्टेटमेंट प्रूफ भी आ सकता है तो आपने स्टेटमेंट भी इसकी याद करनी है। लेट ए एन बी एन एंड सी एन थ्री बी द थ्री सीक्वेंसेज सच दैट बी एन इज लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू सी एन। तो तीन सीक्वेंसेज ऐसे हैं कि ए एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बी एन है और ए एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या है सी एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू, सॉरी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। एम और एम स्टेप्स के बाद बी एन इज लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू सी एन। नाउ अगर बी एन सीक्वेंस एल को कन्वर्ज करती है और सी एन भी एल को कन्वर्ज करती है देन जो हमारी सीक्वेंस होगी ए एन भी क्या करेगी, वो एल को कन्वर्ज करेगी। तो ये हमने प्रूव करना है कि ए एन सीक्वेंस भी हमारी एल को कन्वर्ज करती है। नाउ सबसे पहले डेफिनेशन लगाएंगे क्योंकि बी एन तो कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेस टू एल है। नाउ लेट एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो हाउसोएवर स्मॉल। नाउ सिंस अब बी एन जो है वो एल को कन्वर्ज करती है देयरफॉर एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो हाउसोएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम वन, क्योंकि एम तो यहां पे ऑलरेडी हमें गिवन है तो यहां पे हम एम वन कंसिडर कर लेते हैं। एम वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट बी एन माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस एप्साइलन लेस देन बी एन लेस देन बी एन माइनस एल लेस देन एप्साइलन, मीन्स एल माइनस एप्साइलन लेस देन बी एन लेस देन एल प्लस एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन। सिमिलरली सी एन जो है वो भी एल को कन्वर्ज कर रहा है, फॉर एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एम टू सच दैट सी एन माइनस सी का सॉरी एल का मॉडल सी एन किसको कन्वर्ज कर रहा है एल को, तो सी एन माइनस एल का मॉडुलस भी लेस देन एप्साइलन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम टू। तो यहां से फिर से हमारे पास आ जाएगा एल माइनस एप्साइलन लेस देन सी एन लेस देन एल प्लस एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम टू। एक तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ गई, एक ये इनइक्वालिटी और एक हमें ये गिवन है थर्ड वन। नाउ अब ये रिजल्ट कब ट्रू है, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू m1 है, और ये वाला रिजल्ट जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू m2 है, और ये वाला रिजल्ट जो है वो कब ट्रू है जब n की वैल्यू ग्रेटर देन m है। फॉर एग्जांपल अगर n ये वाला रिजल्ट कब होल्ड करेगा, अगर n की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 20, अगर m1 को मैं 20 कंसिडर कर लूं, अगर m2 को मैं 100 कंसिडर कर लूं मीन, तो ये वाला रिजल्ट कब होल्ड करेगा जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है। सिमिलरली अगर m की वैल्यू हम 80 कंसिडर कर लें, अगर m को 80 कंसिडर कर लें तो ये वाला रिजल्ट कब होल्ड है जब n की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो अब हमारे पास तीन नंबर आ गए 20, 80, 100। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों इनइक्वालिटीज कब होल्ड करेंगी, जब n की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 100, क्योंकि ये 20 के बाद जितने भी 20 से लेकर इन्फिनिटी तक रिजल्ट होल्ड करता है।
ये 80 से लेकर इन्फिनिटी तक रिजल्ट होल्ड करेगा, सिमिलरली ये 100 के बाद रिजल्ट होल्ड करेगा। तो तीनों इनक्वालिटीज कब होल्ड करेंगी, जब एन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 100। मीन तीनों में से जो मैक्सिमम नंबर है, जो नंबर मैक्सिमम होगा, उसके लिए तीनों इनक्वालिटी क्या करेंगी, होल्ड। तो यहां पे मैं इन तीनों में से मैक्सिमम नंबर एक कंसिडर कर रहा हूं। नाउ लेट एम थ्री इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रॉम एम वन कॉमा एम टू कॉमा एम थ्री, तो सॉरी एम वन कॉमा एम टू कॉमा एम, तो तीनों में से मैं जो भी नंबर मैक्सिमम होगा उसको मैंने एम थ्री कंसिडर कर लिया, तो इट मीन्स ये तीनों इनक्वालिटी एम के लिए, एम थ्री के लिए होल्ड करेंगी। मीन्स बी एन लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू सी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम थ्री। सिमिलरली यहां से आ जाएगा हमारे पास एल माइनस एप्साइलन लेस देन बी एन लेस देन एल प्लस एप्साइलन एंड एल माइनस एप्साइलन लेस देन सी एन लेस देन एल प्लस एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम थ्री। नाउ अब तीनों को यूज करेंगे, सबसे पहले इसको यूज करेंगे सेकंड को, तो ये हमारे पास आ गया एल माइनस एप्साइलन लेस देन बी एन। अब बी एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए एन है, ए एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू सी एन है, और सी एन की वैल्यू जो है यहां से लेस देन एल प्लस एप्साइलन है। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन राइट इट एज एल माइनस एप्साइलन लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू एल प्लस एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम थ्री। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए एन माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम थ्री। तो इट मीन्स ये जो सीक्वेंस ए एन है इट कन्वर्जिस टू एल। ओके, तो यही हमने प्रूव करना था, तो आपने स्टेटमेंट भी याद रखनी है, ठीक है। नाउ अब हम सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन वैसे भी रिजल्ट इसका इंपॉर्टेंट है, और यहां पे हम स्क्यूज प्रिंसिपल यूज भी करेंगे। नाउ तो क्वेश्चन हमारे पास है प्रूव दैट लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ए ए टू द पावर 1 ओवर एन इज इक्वल टू 1 होगा अगर ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 सॉरी ग्रेटर देन 0। मीन्स 1.1 या आप 1 टू द पावर 1 बाय एन बोल सकते हो, 2 टू द पावर 1 बाय एन, 0.5 टू द पावर 1 बाय एन, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू 1। नाउ इसके केसेस बनाएंगे सबसे पहले तो हम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे व्हेन ए इज इक्वल टू 1, तो अगर ए इज इक्वल टू 1 है तो क्लियरली जो ए टू द पावर 1 बाय एन होगा, मीन्स 1 टू द पावर 1 बाय एन क्लियरली इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर इट इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस, एंड क्लियरली जो ये सीक्वेंस होगी ये किसको कन्वर्ज करेगी, 1 को, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। सो अगर ए की वैल्यू 1 है इट मीन्स, तो यहां पे तो हमने रिजल्ट प्रूव कर दिया। नाउ अब सेकंड केस यहां पे फॉर्म कर रहे हैं कि अगर ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। नाउ अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ए टू दी पावर 1 बाय एन अगर nth रूट कंसिडर करें तो वो भी ग्रेटर देन 1 होगा। नाउ लेट अगर ग्रेटर देन 1 है, नाउ लेट ए टू दी पावर 1 बाय एन इज इक्वल टू 1 प्लस बी एन, तो इस नंबर, क्योंकि ये नंबर ग्रेटर देन 1 है तो हमने कंसिडर कर लिया इज इक्वल टू ए टू दी पावर 1 बाय एन को कंसिडर कर लिया 1 प्लस बी एन। क्लियरली क्योंकि ये नंबर ग्रेटर देन 1 है तो बी एन पॉजिटिव होगा, वेयर बी एन हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन। नाउ इट मीन्स हमने बी एन, हमारे पास जो सीक्वेंस है दैट इज इक्वल टू ए टू द पावर 1 बाय एन माइनस 1। नाउ अब ए टू द पावर 1 बाय एन इज इक्वल टू 1 प्लस बी एन है, नाउ तो यहां पे ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस बी एन टू द पावर एन,
एन क्या है नेचुरल नंबर, तो अगर बाइनोमियल थ्योरम लगा दें, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर, देन ए इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास आ जाएगा वन प्लस एन बी एन मीन्स एन सी वन इंटू बी एन एन सी टू एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू इंटू बी एन का स्केयर एंड सो ऑन बी एन टू दी पावर एन। तो क्लियरली ये जो नंबर है इट इज ग्रेटर देन वन प्लस बी एन, सॉरी वन प्लस एन बी एन, क्योंकि ये बी एन पॉजिटिव है तो ये वाला जो नंबर है इट इज ग्रेटर देन ये इन टू टर्म्स के सम से तो बड़ा ही होगा ना, ठीक है। सो देयरफॉर जो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज ग्रेटर देन वन प्लस एन टाइम्स बी एन, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी ग्रेटर देन वन प्लस एन बी एन, तो यहां से मैंने लिख लिया नाउ। तो यहां से अगर बी एन की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास आ जाएगी, तो अगर सिंप्लीफाई करें ए माइनस वन ग्रेटर देन एन बी एन, एन से डिवाइड कर दें तो बी एन की वैल्यू लेस देन ए माइनस वन ओवर एन, आल्सो बी एन तो ग्रेटर देन जीरो है ही है, सो देयर फोर जीरो लेस देन बी एन लेस देन ए माइनस वन ओवर एन। नाउ अब यहां पे हम स्क्यूज प्रिंसिपल यूज करेंगे। अब ये वाली सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस है, ये जीरो को कन्वर्ज करेगी, और ये वाली सीक्वेंस की अगर बात करें तो ये सीक्वेंस भी जीरो को कन्वर्ज करेगी, क्योंकि ए माइनस वन ओवर एन की बात करें एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी दिस विल कन्वर्ज टू जीरो। नाउ ये भी सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज करी है, ये भी जीरो को कन्वर्ज करी है, तो देयरफॉर बाय स्क्यूज प्रिंसिपल ये वाली जो सीक्वेंस होगी, देयरफॉर बाय स्क्यूज प्रिंसिपल तो जो सीक्वेंस है बी एन वो भी किसको कन्वर्ज करेगी जीरो को। बी एन हमारे पास क्या थी ए टू दी पावर वन बाय एन माइनस वन, तो मीन्स लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए टू दी पावर वन बाय एन माइनस वन वो भी जीरो को, जीरो के इक्वल होगी लिमिट। तो यहां से हम अगर वन को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए टू दी पावर वन बाय एन इज इक्वल टू वन। तो अब हमने दो केस कर लिए, सबसे पहले तो हमने ए इज इक्वल टू वन के लिए किया, फिर उसके बाद ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन के लिए। तो अब बात करेंगे व्हेन ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, क्योंकि हमने लेना तो यहां पे हमारे पास गिवन है कि ए की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन जीरो। नाउ अब अगर थर्ड केस की बात करें तो ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, तो बी हमारे पास आ जाएगा लेट बी इज इक्वल टू वन ओवर ए। अब क्योंकि ए की वैल्यू लेस देन वन है तो बी की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी। नाउ यूजिंग केस नंबर टू, तो वहां पे हमने किया था कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो ए टू दी पावर वन बाय एन वन को कन्वर्ज करेगा, तो यहां पे सेम रिजल्ट लगा देंगे। सो देयरफॉर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बी टू दी पावर वन बाय एन इज इक्वल टू वन, तो बी की वैल्यू बी को हमने कंसिडर किया था वन ओवर ए टू दी पावर वन बाय एन इज इक्वल टू वन। सो इट मीन्स लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन ओवर ए टू दी पावर वन बाय एन इज इक्वल टू वन मीन्स आफ्टर टेकिंग रेसिप्रोकल वी विल गेट ए टू दी पावर वन बाय एन इज इक्वल टू वन। तो अब अगर तीनों रिजल्ट, तीनों केसेस के रिजल्ट अगर कंपाइल कर दें वी विल गेट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो कंक्लूजन हमारे पास आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए टू द पावर वन बाय एन इज इक्वल टू वन फॉर ऑल ए ग्रेटर देन जीरो। ओके नाउ इसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन टू द पावर वन बाय एन इज इक्वल टू वन, तो जैसा कि हमने लास्ट में किया था ए टू द पावर वन बाय एन इज इक्वल टू वन होगा जब ए की वैल्यू क्या होगी फॉर ऑल ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करें
तो ए की वैल्यू हमारे पास एन है, क्लियरली ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। तो मीन्स हमने ये हमारा कॉम्बिनेशन है फर्स्ट और सेकंड केस का, यहां पे हमने थर्ड केस नहीं करना, ठीक है। नाउ लेट ए एन इज इक्वल टू एन टू द पावर वन बाय एन। क्लियरली यहां पे जो ए एन है दैट इज ग्रेटर देन वन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर तो एन की इक्वल टू वन की बात करें तो एन इज इक्वल टू वन के लिए तो ए एन की वैल्यू वन है, लेकिन एन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन होगी तो ए एन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन वन। मीन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन वन वी हैव ए एन ग्रेटर देन वन। तो अब ग्रेटर देन वन है तो जैसा कि हमने सेकंड केस में किया था, अगेन टेक ए एन इज इक्वल टू वन प्लस बी एन वेयर बी एन ग्रेटर देन जीरो है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन वन, और वी कैन से दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू। नाउ अब यहां से अगर बात करें तो ए एन हमने कंसिडर किया था एन टू दी पावर वन बाय एन, तो यहां से ए एन टू दी पावर एन हमारे पास क्या आ जाएगा, एन की इक्वल, मीन्स एन कैन बी रिटन एज ए एन टू दी पावर एन, और ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, वन प्लस बी एन। अगेन बाइनोमियल थ्योरम, तो वो हमारे पास आ जाएगा वन प्लस एन बी एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू बी एन स्क्वेयर एंड सो ऑन, जैसा कि केस नंबर टू में किया था। नाउ इट इज ग्रेटर देन, लास्ट में हमने कंसिडर किया था लास्ट केस में कि ग्रेटर देन एन बी एन, यहां पे हम बात करेंगे इट इज ग्रेटर देन दिस वन एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू बी एन स्क्वेयर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एन ग्रेटर देन एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू बी एन स्क्वेयर, तो एन के साथ एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा बी एन स्क्वेयर लेस देन टू ओवर एन माइनस वन, तो बी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन स्क्वेयर रूट ऑफ टू ओवर एन माइनस वन। एंड बी एन जो है इट इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो अगेन बाय यूजिंग स्क्यूज प्रिंसिपल, अब ये भी सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज कर रही है, ये भी सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज कर रही है, तो देयरफॉर बाय स्क्यूज प्रिंसिपल लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी बी एन जो होगा वो भी जीरो को कन्वर्ज करेगा। बी एन यहां पे क्या है, ए एन माइनस वन, तो मीन्स लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एन माइनस वन वो जीरो को कन्वर्ज करेगा, मीन्स ए एन वन को कन्वर्ज करेगा। तो ए एन हमारे पास क्या था, एन टू दी पावर वन बाय एन, तो ये किसको कन्वर्ज करेगा, वन को। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं सारे के सारे थ्योरम्स, तो स्क्यूज प्रिंसिपल किया, उससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस किए। नाउ ये क्वेश्चंस की आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेनी है, तो अगर कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पे वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।